अभी हम हैं जबलपुर में और ये है इंडियन कॉफी हाउस, मतलब इंडिया का सबसे ओल्ड कॉफी हाउस है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सागर मध्य प्रदेश। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, कल हम दिल्ली से आए थे सागर, शाम को 7 बजे पहुंच गए थे और सुबह हम 5:50 पे चले थे दिल्ली से, और बहुत धुंध मिली थी। तो आप प्लीज़ वो ब्लॉग जरूर देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का मैं प्लान बता देता हूँ। सबसे पहले हम धुआंधार वाटरफॉल जा रहे हैं, जो कि यहाँ से मोर देन 150 किलोमीटर है और 3 आवर की राइड है अभी हमारी। और उसके बाद महासमुंद छत्तीसगढ़ में हम आज स्टे करेंगे और वो भी लगभग मोर देन 8 आवर की राइड है हमारी। ये देखिए हमारा रूम का हालत, वो तो सभी राइडर का यही हाल होता है, सब बिखरा पड़ा है और ओस जमी हुई है मिरर पे पीछे। बस मैं तो नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और मीत भाई भी तैयार हो रहे हैं अभी, तो बस निकल जाएंगे अभी विद इन हाफ एन आवर मैक्सिमम लगेगा हमें। तो गाइस, वी आर रेडी टू राइड। हमारी पैकिंग हो चुकी है, अभी आपने टाइम लैप्स देखा होगा, तो अभी चलते हैं बाइक पे। अभी हम ग्रैंड पैलेस होटल से निकल पड़े और अब हम जा रहे हैं धुआंधार। और ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया पार्किंग थी और होटल भी बहुत ही बढ़िया था। चमेली चौक, बड़ा बाजार, शराफा बाजार, कोतवाली। हमने डिसाइड कर रात को किया था कि यार सुबह 6:30 बजे निकल जाएंगे, लेकिन यार इतनी लंबी राइड करने के बाद ना शरीर थक जाता है। हालांकि 10-12 अलार्म बजा होगा, फिर भी हम सोते ही रहे। ये है सागर, जिसको आप देख पा रहे होंगे पीछे, ये पूरा तालाब है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये सागर नाम, इस धिटी का नाम, ये नाव चल रही है, ये सागर है ये। जय शंकर की जय, भोले। तो गाइस, हम अपने सफ़र पे निकल गए हैं। आज हमारा स्टे है समंत में, जो कि है छत्तीसगढ़। हाईवे छोड़ दिया है और एक ये गांव के अंदर से रास्ता जा रहा है। और ये देख लीजिए, ये एमपी के गांव है, ये सक्रिया है, सक्रिया कोई गांव। तो गांव के अंदर से जा रहे हैं और स्पीड हमारी काफ़ी कम हो गई है, गांव में तो ज़्यादा तेज चल भी नहीं सकते। भाई यार, जो रोड ट्रिप होती है उसके तो मज़े ही कुछ हो रहे हैं, और स्पेशली बाइक ट्रिप हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आप जंगल से होके गुजरते हैं, गांव से होके गुजरते हैं, अभी हम गांव से होके गुजरे हैं और अभी ये एक जंगल एरिया है, जंगल के अंदर से होके गुजर रहे हैं। और जबलपुर यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है। अगर ऐसे ही रोड मिली, ये तो बहुत प्यारी रोड है, पक्की रोड है, बहुत ही शानदार होगा। और ये रूट यार बहुत ही ज़बरदस्त है, सागर से जबलपुर वाला रूट तो बहुत ही खतरनाक है। ये देखिए व्यू यार, अमेजिंग व्यू है। एक मिनट रुक के दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं धुआंधार और जबलपुर यहाँ से 39 किलोमीटर है, और एक बहुत ही प्यारा व्यू है, उसके लिए रुके हैं। ये देखिए पीछे, देखिए आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। बेड़ाघाट तक रोपवे जाती है, और जहाँ पार्किंग थी हमने बात कर रहे थे, वो देखिए सामने वो रोपवे है। और ये है 4-व्हीलर का रास्ता, और 2-व्हीलर को अलाउड नहीं है। तो बड़ी रिक्वेस्ट करके हमने, बहुत दूर से आए हैं, बोल बोल के फिर हम जा रहे हैं। फिर ये देखिए कितने शॉप्स हैं यहाँ पे, फैंसी आइटम, घर की सजावट के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी आपको। और बिल्कुल हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल पे,
और वरना आपको रोपवे पे आना पड़ता है। और ये है वाटरफॉल, बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल। अभी हम हैं धुआंधार वाटरफॉल पे, बहुत ही खूबसूरत धुआंधार वाटरफॉल है, दूध जैसा पानी है नीचे, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और ये सामने से आ रहा है धुआंधार, ये धुआं निकलता हुआ पानी का और ये आगे जाता हुआ पानी। और सामने आप रोपवे देख रहे होंगे और देखिए कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे बाइक से पहुँचे हैं और लोग मोस्टली रोपवे से आते हैं या पैदल चल के आते हैं। 1 किलोमीटर है पार्किंग से यहाँ तक आने का। और ये पीछे हमारे बाइक्स खड़ी हैं। और मीत भाई बहुत बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग, यहाँ आना सफल हो गया? आना बिल्कुल सफल हो गया है। मध्य प्रदेश बहुत ही सुंदर स्टेट है एंड बहुत मज़ा आ रहा है। जबलपुर के पास है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, तो एवरीवन मस्ट कम हियर। तो ये हमें दो भाई मिले हैं जो कि धुआंधार आए हैं वाटरफॉल देखने। भाई अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम भरत पटेल है। भरत पटेल और पुष्पेंद्र पटेल एमपी से। तो भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया पे। थैंक यू भाई। नाम बताओ एक बार, नाम भूल गया मैं। राज मालविया। तो भाई राज मालविया मिले हैं यार, बहुत ही बढ़िया इंसान है, मजा आ गया इनसे बात करके, थैंक यू यार। और ये आप यहीं रहने वाले हैं? जबलपुर है, जबलपुर के ना? हाँ। कैमरा चालू है? हाँ चालू है। ओके भाई है आपका? छोटा भाई है। अच्छा छोटा भाई है, मदर है ये इनकी। अच्छा आंटी चलते हैं अभी। और सर? हाँ सर बिल्कुल सर। तो गाइस अब हम निकल पड़े हैं महासमुंद के लिए और फर्दर यहाँ पे 2-3 स्पॉट और हैं, बहुत ही शानदार स्पॉट हैं, पर यार अगर वो देखने लगे तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है क्योंकि 9 आवर की राइड अभी दिखा रहा है गूगल और 8 बजे पहुँचेंगे हम, इस हिसाब से तो हम बहुत ही लेट हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपकी 4-व्हीलर आ सकता है लेकिन उसके लिए 200 रुपये का चार्जेस और हमने तो 100-100 रुपये दिए भाई को। तो भाई ये है पंचमठा मंदिर, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये मध्य प्रदेश का। और अभी हम जा रहे हैं मार्बल रॉक देखने और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट बोटिंग यहीं पे होती है। आज तो पूरी वाट लगने वाली है, देखते हैं मार्बल रॉक चलते हैं, बोटिंग करते हैं फिर वापसी जाएंगे। बोटिंग कर लीजिए ना नौका विहार, ये मार्बल रॉक यहाँ गाड़ी लगा दीजिए, हम पार्किंग का आदमी आपका पूरा सामान देखते रहेंगे, गारंटी है। जय सर, ये हमारा काम है। काउंटर का बोटिंग का 100 रुपये है, 800 रुपये अगर अपनी बोटिंग। हाँ अरे 100 रुपये में चले जाना यार, लगा दीजिए भाई। चलो आ जाओ फिर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने और मार्बल रॉक यहाँ का बहुत ही फेमस है कि बीच से होके बोट गुजरती है, यहाँ तो बोला जाता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट बोटिंग होती है, तो चल के देखते हैं। और ये नर्मदा रिवर है। टिकट कहाँ से मिलेगी? टिकट नीचे से मिलेगा, टिकट बोटिंग का? अच्छा धन्यवाद। ओके मीत भाई और मैं हैं मार्बल रॉक की बोटिंग करने और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आने वाले हैं। ये हम बोट में बैठे हुए हैं, ये चारों ये हमारे सारे लोग हैं। ये है मार्बल रॉक, आप सामने देख पा रहे होंगे और उसके बीच से हमारी बोटिंग हो रही है। और ये नर्मदा रिवर है जिसके ऊपर हम बोटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए सामने पहाड़ों के बीच से बोट होके जाएगी, तो ये काफी खूबसूरत बोटिंग मानी जाती है वर्ल्ड की, बहुत ही खूबसूरत बोटिंग है। तो गाइस अभी हमने बोटिंग की मार्बल रॉक, जो आपने देखी होंगी वीडियो में, बहुत ही शानदार है यार बोटिंग मार्बल रॉक्स की। और उसके अंदर से बोटिंग करने का एहसास ही बहुत ही शानदार है यार, सही कहा है कि वर्ल्ड की यार सबसे बेस्ट बोटिंग होती है यहाँ पे। अगर आप मध्य प्रदेश आएँ या जबलपुर साइड आएँ तो यार ये दो चीज़ हैं, जो एक अपना वाटरफॉल है धुआंधार वाटरफॉल और ये बोटिंग जो मार्बल रॉक की बोटिंग होती है, बहुत ही शानदार है, एक आप ज़रूर करें ये दो चीज़।
आपका सब कुछ, आपका टूर सब वसूल हो जाएगा यार। तो गाइस मैं बता दूं, अभी हम हैं जबलपुर में और ये है इंडियन कॉफ़ी हाउस, और यहाँ का खाना एक नंबर, और ये इंडिया का सबसे पुराना कॉफ़ी होम है और फर्स्ट कॉफ़ी होम है। तो मैं अपने पुराने मित्र जो तकरीबन 15-20 साल पुराने दोस्त हैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ। मेरे साथ हैं मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी। हाय, बोलिए अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, आज तो प्रदीप जी के बारे में बात करने की बात है। मैं इनका दोस्त हूं और हम लोग लगभग 15 साल बाद मिले हैं। हाँ। फेसबुक से संपर्क हमारा बना हुआ था और अच्छी बात है कि जबलपुर आए तो इन्होंने याद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं इनके साथ में हूं और ये यात्रा पे निकले हुए ओडिशा की। इसके पहले भी इन्होंने कई यात्राएँ की हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि ये यहाँ पर हैं। हम लोग की पुरानी दोस्ती है, दोस्ती कायम रहे, और दोबारा मैं इनको आमंत्रित करता हूँ मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक टूर के लिए। थैंक यू सर। तो हम निकल पड़े हैं इंडियन कॉफ़ी होम से और ये है जबलपुर जो आप अभी देख रहे हैं। ये जबलपुर की मार्केट है, रोड है, और अभी हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में या तो रायपुर रुकेंगे, अगर समय बचा तो आगे जाएंगे महासमुंद। देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, 2:34 हो चुका है ऑलरेडी, हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो आई थिंक हम रायपुर तक पहुंचेंगे। हम आज रायपुर में स्टे करेंगे, और रायपुर है छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद कल जाएंगे हम संबलपुर। रायपुर 341 चिल्पी 141, और ये अभी जो आप रूट देख रहे हैं ये है रायपुर वाला, जबलपुर से रायपुर छत्तीसगढ़, एमपी से छत्तीसगढ़ वाला हाईवे है ये। तो गाइस अभी हम हैं होटल नटराज, और ये है चिल्फी घाटी। जस्ट अभी हम छत्तीसगढ़ में एंटर करा है, और चिल्फी एक सिटी है, एक कस्बा है, वहाँ पे ये होटल है, होटल नटराज। तो अभी ये स्टील के गिलास में चाय कॉफ़ी पी रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। और लगभग अभी जो होटल है हमारा रायपुर से 31 किलोमीटर और आगे है, जो संबलपुर वाले रूट पे ही है, कुंवर श्री होटल है, वहाँ पे हमने रूम देखा है। तो अभी हम पहुँचेंगे वहीं पे सीधा, और यहाँ से 147 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मोर देन 3 आवर और लगने वाला है, और अंधेरा भी होने वाला है। तो बस अब कॉफ़ी पी के निकलेंगे बस। तो गाइस होटल नटराज हाईवे से अब हम निकल रहे हैं, चिल्फी घाटी NH30 पे है, और अभी हमने 186 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है, और 9:30 बजे तक बता रहा है गूगल भाई, और 3 आवर 32 मिनट्स की राइड हो रहा है, 6 बज चुके हैं, 9:30 बजे हम पहुंच जाएंगे। हाईवे बहुत मस्त हाईवे है, व्यू भी बहुत शानदार है, यहाँ पे रिसोर्ट वगैरह काफ़ी है, और सनसेट हो चुका है, और यहाँ से आई थिंक जंगल शुरू हो जाता है, और आधे घंटे में पूरा अंधेरा हो जाएगा, बस उसके बाद यहाँ राइडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आज हमारी राइड का day 2 है, हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ एमपी से मध्य प्रदेश से। तो कल हम रुके थे सागर में, और गाइस जिसने कल का ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ वो ब्लॉग देख लें। कल के ब्लॉग में हम आए थे दिल्ली से सागर मध्य प्रदेश, और मोर देन हमने 750 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, और आज भी हमने लगभग 600 प्लस किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो गाइस अभी बेमित्रा कोई सिटी आई है, और ये रेड लाइट पे खड़े हैं, वहाँ पे चौक है, ये घंटाघर, ये घड़ी लगी हुई है यहाँ पे, और 95 किलोमीटर और दिखा रहा है हमें गूगल, 1 आवर 46 मिनट की राइड और करनी है। सरदार जी यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, रोड बहुत ही ख़राब है यहाँ, तो ये पैच तो बहुत ही ख़राब है, अगर ऐसे चला तो भाई क्या होगा अपना।
वैलेंटाइन डे आज तो। हैप्पी वैलेंटाइन डे दोस्तों आप सभी को। आज के लिए तो आप ही मेरे वैलेंटाइन, मैं आपका वैलेंटाइन। नया रायपुर एयरपोर्ट आरंग महासमुंद, और राइट हैंड पे रायपुर सिटी को हमने क्रॉस कर दिया है। अगर सिटी में जाना था तो अंदर को हमें राइट टर्न करके जाना पड़ता है, तो हमने बाईपास कर दिया है रायपुर सिटी को, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं औरंग कुंवरश्री होटल कुंवरश्री में, ये सामने है, और हम बिल्कुल हाईवे के ऊपर हैं। और मीत भाई पहले पहुंच चुके हैं, और हम पूरे 9 बजे पहुंच गए हैं अपने होटल में, और 8 बजे हमने आज की राइड शुरू करी थी और 9 बजे हम पहुंच गए। तो एट लास्ट दोस्तों हम अपने होटल अपने रूम में पहुंच गए हैं, और रायपुर से जस्ट 30 किलोमीटर आगे आके आरंग एक कस्बा है, वहाँ पे हाईवे के ऊपर ही है कुंवरश्री होटल। तो हमने हाईवे पे ही ले लिया ताकि ज़्यादा अंदर सिटी में ना जाना पड़े। महासमुंद पहुंचने का हमारा टारगेट था, और महासमुंद यहाँ से जस्ट 10-12 किलोमीटर आगे है, लेकिन वहाँ पे कोई हमें अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, तो उस वजह से हमने 12 किलोमीटर पहले ही हमने ये अपना होटल ले लिया है। तो आज का हमारी जो राइड थी वो हमारी पूरी हो गई है, और बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरी हुई है। गाइस अगर आप अब मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मीत भाई, भाई साहब दुलाई में लग गया। तो आज की राइड का थोड़ा निचोड़ बताएं। आज की राइड काफी हाईवे था, और बीच में ऑफ रोड पैच जो हमने घाटियों के बीच से क्रॉस किया, एंड मजेदार था, बहुत जबरदस्त। हमने शाम को कॉफी पी, एंड उसी की बदौलत हम जिंदा पहुंचे इंडिया कॉफी होम में। इंडियन कॉफी हाउस, इंडिया का पहला, इंडिया का पहला जबलपुर में। बिरयानी अमेजिंग, और सर दूसरा जो डोसा खाया था, बहुत ही बढ़िया। कॉफी तो थी जो। तो आज का व्लॉग यहीं पे हम खत्म करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। तो गाइस राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद जय हिंद। देखते रहिए एक्सट्रीम Adventures India.